आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वन डे मेन्यू प्लान, जो कि आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि ये जो मैं प्लान शेयर कर रही हूँ, ये एक जनरलाइज प्लान है जो हर व्यक्ति फॉलो कर सकता है। लेकिन अब ध्यान रखें कि ये जो कस्टमाइज प्लान होते हैं, यानी आपकी परिस्थिति के हिसाब से अगर आपको अपना प्लान चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कंसल्ट कर सकते हैं ऑन माई गिवन नंबर इन डिस्क्रिप्शन। सो आप ध्यान रखें कि जब आप दिन का शुरुआत करते हैं तो उसमें आप किसी भी तरह का रिफाइंड चीज़ों का सेवन ना रखें, ना ही आप अपना चाय का सेवन रखें। मेनली कई बार होता है सुबह का दिन का शुरुआत चाय और कुछ नमकीन के साथ हम लोग करते हैं। हालांकि हमारा दिन का शुरुआत प्राकृतिक चीज़ों से होना चाहिए, यानी आप सुबह सुबह नट्स और सीड्स को भिगो के ले सकते हैं, यानी 5 आलमंड्स, 1 अखरोट स्टैंडर्ड अमाउंट ये है हमारा, कुछ चना मूंग भिगा के मॉर्निंग में लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता का टाइम आता है। कई बार लोगों के पास नाश्ता करने का वक्त नहीं होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नाश्ते में आप एक फ्रूट्स और उसके साथ कुछ सैलेड्स की सब्जियां और कुछ स्प्राउटेड मूंग या चना ऐड करके अपना एक सिंपलेस्ट ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, जो कि कंप्लीट नरिशमेंट भी देगा और साथ में आपके शुगर को भी बेहतर करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रेकफास्ट का मील होगा, फॉलोड बाय आपका मिड मॉर्निंग। अगर आपके पास समय है, बीच में भूख लगती है 1 बजे 11 बजे आसपास, तो आप अपना एक फ्रूट्स वहाँ पर वापस से ले सकते हैं स्मॉल क्वान्टिटी में। अदरवाइज़ अगर आपने ब्रेकफास्ट कम्प्लीट कर लिया है, देन कम टू नेक्स्ट लंच। लंच में आपको ध्यान रखना है कि मैं कोई ऐसे अनाज का सेवन करूं जो मेरे शुगर लेवल को कम से कम स्पाइक करे, राइट? तो वो आपके बॉडी के हिसाब से आपके कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी जितनी होगी उस हिसाब से हमारा रोटी का क्वांटिटी बैठता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूं कि अगर आप रोटी लेना भी चाहते हैं तो आप या तो बाजरा की रोटी या दलिया की खिचड़ी वगैरह ले सकते हैं, और अगर आपको चावल लेना है तो इन स्मॉल क्वांटिटी आप चावल भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो चावल है या रोटी है या वॉट एवर आप अनाज ले रहे हैं, उसमें सब्जी का कंजप्शन थर्ड पोर्थ हो, यानी आपका वन पोर्शन ऑफ अगर आप कोई भी अनाज ले रहे हैं तो उसमें सब्जियां डबल लीजिए। और उसके साथ हमेशा प्रोटीन और फाइबर को कंबाइन करना ना भूलें, यानी प्रोटीन के लिए आप उसमें या तो दाल या तो मट्ठा या तो अंडा या छेना कुछ रख सकते हैं। और फाइबर के लिए हमेशा ध्यान रखें कि उसमें आपका सैलेड हो, यानी प्रायर टू मील आपको सैलेड रखना है। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग इवनिंग में, तो इवनिंग में कई बार हमारे साथ होता है कि हम चाय या बिस्किट का कंजप्शन करते हैं, तो आप वहाँ पे चाय का कंजप्शन रख सकते हैं लेकिन इंस्टीड ऑफ बिस्किट, या फिर आप बिस्किट की जगह पे ऐसा कर सकते हैं कि रोस्टेड मखाना रखिए, रोस्टेड चना रखिए, दैट्स अ एक्सीलेंट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट टाइम टू डिनर। डिनर में हमें ध्यान रखना है कि डिनर हमारा अर्ली हो, और डिनर में आप एक रोटी के साथ हरी सब्जियां, दाल वगैरह ले सकते हैं। डिपेंड्स कि आपकी एज, हाइट, वेट क्या है, उसके अनुसार आपकी रोटी की क्वांटिटी ज़्यादा या कम हो सकती है। हाँ, लेकिन वहाँ पे भी ये ध्यान रखें कि आप जो भी रोटी ले रहे हैं उसके साथ प्रोटीन और फाइबर कंबाइन करना ना भूलें, यानी सिर्फ रोटी सब्जी ना खाएं बल्कि उसके साथ सैलेड एंड कोई एक प्रोटीन का सामान ज़रूर रखें। तो इस तरीके से आप अपने डाइट को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अपने लिए आपको कस्टमाइज प्लान की नीड है, देन यू कैन जस्ट कंसल्ट मी ऑन माई गिवन नंबर एंड बुक योर अपॉइंटमेंट फॉर फ्री। गो टू डिस्क्रिप्शन एंड बुक देयर। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।